थैंक यू, स्वागत है आपका। और इस बीच बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सत्ता की वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस की राह आसान दिखती नजर नहीं आ रही है। जी हां, वजह है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं आपस में ही लड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बुधवार की रात पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में खुलकर सामने आ गई, जिसमें कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच जब यह गहमागहमी चल रही थी, उसी समय पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी वहीं मौजूद थे। मध्य प्रदेश में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कोशिश में जुटे राहुल की रणनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। इस बीच कांग्रेस की इस कलह पर बीजेपी ने बिना मौका गवाए चुटकी ली है और राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्मल सिंह बेस्ट संवाददाता मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निर्मल, आखिर जिस लगातार जिस तरह की ये खबरें भी थीं कि कांग्रेस जो है कांग्रेस को ही हराने का काम करती है और कांग्रेस अगर एकजुट हो जाए तो शायद प्रबल दावेदारी जो है इस बार ठोक सकती है, लेकिन जो अंदरूनी कलह थी, जो अपने अंदर जो दबाकर बैठी थी उस चीज को, वो साफ तौर पर नजर आई है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने हो गए, ऐसे में कैसे होगा बेड़ा पार? सुनील, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो जो विश्लेषण होता है, राजनीतिक विश्लेषण होता है कांग्रेस की हार का, तो उसमें गुड़वाजी और पट्टावाद यानी कि अपने चहेते नेताओं को टिकट दिलाने का जो काम होता है, वही सबसे बड़ा कारण उभर कर कांग्रेस की हार के लिए सामने आता है। और ये ऐसा पहली बार ऐसा लग रहा है कि चूंकि राहुल गांधी खुद अब हर चीज को हैंडल कर रहे हैं, तो इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ काबिल प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने सर्वे भी तमाम कराए हैं। बावजूद इसके जो है, जो तमाम खबरें अब तक हम तक पहुंची हैं, उसके मुताबिक सिंधिया और दिग्विजय सिंह टिकट को लेकर आपस में राहुल गांधी यानी कि हाईकमान के सामने ही उलझ गए। इसके बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है राहुल गांधी ने, जो उन दोनों के मामले को सुनेगी और उसका पदाक्षेप करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सही बात ये है कि अगर इस तरीके से विवाद चलता रहा और मनभेद होते रहे तो निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस को चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज जो है सूची जारी, जो कांग्रेस की 4 बजे जारी होना चाहिए वो नहीं होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब ये सूची कल जारी होगी। हालांकि इस समय जो पीसीसी में नेता थे, उन लोगों के पदाधिकारियों से चर्चा हुई तो उनका यह कहना है कि आज भी कभी भी जो है सूची जारी हो सकती है। और इस बारे में आगे की जानकारी सुनील आप हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुप्ता जुड़ गए हैं, उनसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल भूपेन गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। निर्मल बने रहिएगा, ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। विनोद, चंबल संभाग की अगर बात की जाए तो बड़ी दावेदारी मानी जाती है सिंधिया और दिग्विजय सिंह की, ऐसे में कितना बड़ा असर पड़ सकता है? बाकी ग्वालियर चंबल संभाग में राजा महाराजाओं के जो समर्थक है उनके बीच में तो अक्सर देखने को मिलता रहता था इस तरह का माहौल गुटबाजी का। और अब चूंकि जिस तरह से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बीच जो निकल कर तनातनी सामने आई है, उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है खासकर के ग्वालियर में, उनमें कहीं ना कहीं निराशा जरूर देखी गई, क्योंकि जिस तरह से वो उद्देश्य को लेकर चल रहे थे कि इस बार उनकी एकजुट होकर एक शक्ति के साथ प्रहार करेंगे और इस चुनावी गठबंधन को पार करेंगे, लेकिन जो हालात चुनाव से पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के पहले जो हालात बन रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी जरूर हो रही है। उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं परेशानी में दिख रहे हैं कि आखिर इस गुटबाजी के चलते वो किस तरह से प्रदेश में कब्जा कर पाएंगे। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर में भी और ग्वालियर चंबल संभाग, दो संभाग है, ग्वालियर संभाग और ग्वालियर चंबल संभाग, दोनों ही संभाग में चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या सांसद ज्योतिराज सिंधिया की, दोनों की अपने अपने समर्थक हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और लगातार अपने अपने जो नेता हैं उनके पास जाकर दावेदारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि ज्योतिराज सिंधिया चाहते हैं कि अंचल में उनका। विनोद, रोकूंगा आपको, भूपेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। भूपेंद्र गुप्ता जी, ऐसे कैसे नैया पार होगी, यहाँ तो दोनों ही राजाएं आपस में जो है तलवारें खींचती नजर आ रही हैं, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया में सब कुछ ठीक नहीं है? झूठी खबरें हैं, निराधार हैं जी, और आपके जैसे अच्छे चैनल को इस तरह की खबरों में नहीं पढ़ना चाहिए जी। ऐसी वहां पर कोई बात नहीं हुई है, न कोई बातचीत है। अभी तो बैठक में राहुल जी आए भी नहीं है कि आप लोग ऐसी खबरें चला रहे हैं जी।
आज तो लिस्ट भी जारी होनी थी ना, बैठक भी होनी थी, वो बैठक भी टल गई, लिस्ट भी टल गई, ना बैठक तक चली है ना कुछ सीएसी की बैठक चल रही है जी। भूपेन्द्र गुप्ता जी, ठीक है, अच्छी बात है आप इस बात को कह रहे हैं, हालांकि मैं समझ सकता हूँ आप पार्टी लाइन से हटके नहीं बात करेंगे, लेकिन चिंगारी नहीं होगी, धुआं नहीं उठेगा, इस तरह की खबरें पहले भी नहीं आई, अक्सर करके ये देखा होता है कि देखा भी गया है कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं जब ये सारी खबरें आती हैं, आप इस बात को नहीं जुटा सकते। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर कांग्रेस क्यों एकजुट नजर नहीं आ रही, इस बार तो एकजुट होकर ही चुनाव लड़ना था। एकजुट तो है ही, किसने आपसे कहा कि एकजुट नहीं? हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी, कांग्रेस के खेमे में कलह फिर से देखी गई है और सतह पर भी आ गई है, दिग्विजय सिंह और सिंधिया जो हैं आपस में आमने सामने हो गए हैं, ऐसे में आप क्या मानते हैं, कितना लाभ हो रहा है आपको? देखिए हमारे लिए तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि कांग्रेस तो कलह का कुनबा है जी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है जी। भाई कोई भी राजनीति में प्रतिस्पर्धी ये थोड़ा ना चाहेगा कि उसका प्रतिस्पर्धी मजबूत हो, तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। लेकिन कांग्रेस में चुनाव यानी कि स्वयं के उत्थान का अवसर, अभी जनता की भावनाओं को तो ये कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आप देखिए इनके हंसते हुए चेहरे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे ये लोग चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, जैसे इनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राजनीति में है और इसीलिए इनके खेमों के आपस में झगड़े होते हैं। कांग्रेस अब कोई पार्टी आई थोड़ी ना रह गई है, ये तो नेताओं का एक गिरोह जैसा है, तो जब भी टिकटों की बात आएगी तलवार निकाल के लड़ने लगते हैं। राहुल जी ने पहले ही बोल दिया वो कंफ्यूज लीडर है, तो उन्हें तो वैसे ही नहीं याद रहता है कौन कहां से लड़ा नहीं लड़ा जी। तो एक बड़ा प्रभाव, भूपेन्द्र गुप्ता भी चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, भूपेन्द्र गुप्ता एक बड़ा प्रभाव है चंबल अंचल में अगर देखा जाए तो, चंबल संभाग में, चाहे दिग्विजय सिंह का हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो, वर्चस्व की लड़ाई है। अरे पार्टी तो पार्टी रही नहीं जी, की पार्टी पार्टी है, व्यापम में लोगों को लूटने वाले लोग जो है वो पार्टी कहलाते हैं, जो लोग काम करते हैं जनता को बातचीत करते हैं वो उनकी पार्टी नहीं कहलाती, क्योंकि वो हंसते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर जो है हंसने बोलने के भाव आते हैं, तो ये और लुटेरों के चेहरे पर कुछ भी नहीं आता है। 49 लाख बच्चे भूख से तड़प जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था आखिर क्या वर्चस्व की लड़ाई है, नए लोगों को आप मौका दे रहे हैं, पुरानों की अपेक्षा हो रही है इसलिए स्थिति बनी है, संजय शर्मा हो, गुलाब सिंह हो, ये सब सारे स्थिति जो इस तरह की निर्मित हो रही है इन लोगों को। पहले मेरी टिप्पणी सुन लीजिए जी, 72,000 बच्चे जो है बच्चों के आईसीसीयू में मर गए हैं, इनसे डॉक्टर साहब से पूछ लो, खुद ही डॉक्टर हैं। ये आरोप प्रत्यारोप वाला अलग मामला है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था इस तरह की कलह आखिर क्यों हो रही है, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं रोका ये भाषण देने से जी? प्रचार तंत्र आपका मीडिया क्या उनके प्रचार के लिए बनाएगा, उनके झूठ के? हम तो आपकी बात भी उठा रहे हैं भूपेन्द्र जी, हम तो आपकी बात भी उठा रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी वो मौजूद हैं, हितेश वाजपेयी जी इस तरह की जो स्थिति है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का, और मेरा जो सवाल था मूल सवाल कि आखिर कांग्रेस में इस तरह की कलह हो रही है उससे बीजेपी को फायदा क्या होगा, आपने जवाब दिया। भूपेन्द्र गुप्ता जी मैं ये जानना चाह रहा था वजह क्या है, क्यों इस तरह की स्थितियां बन रही है कांग्रेस में? पार्टी के नेता ने, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि घर आकर देनी पड़ेगी टिकट, इनसे पूछें इसको कलह कहते हैं कि इसको सौजन्य कहते हैं कि इसको जो है मक्खन लगाना कहते हैं कि इसको लड़ाई झगड़ा कहते हैं, बताएं जरा भारतीय जनता पार्टी जी। यानी कि अभी इस सवाल का जवाब तो नहीं देंगे आप, मैं इस बात को भी समझ रहा हूँ। हितेश वाजपेयी जी तो नहीं दे पाएंगे, जो अब तक अछूत थे पार्टी के लिए वह अब पार्टी में आ रहे हैं, और यही वजह है कि शायद जो अब तक खबरें हैं वो यही है कि वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। अपने अपने पट्ठों को अगर मैं ये बात कहूँ तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, अपने अपने पट्ठों के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। हितेश जी 10 साल यूपीए की सरकार रही, कभी आपने देखा कि भूपेन्द्र गुप्ता जी या धनोपिया जी जो बेचारे टीवी पर इतने खूबसूरत चेहरा लेके लड़ते हैं कांग्रेस के लिए? नहीं, मैं संगठन को लेकर आया था, सरकार को लेकर मेरा सवाल ही नहीं था। बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी, भूपेन्द्र गुप्ता जी बहुत धन्यवाद, निर्मल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, विनोद आपका भी बहुत धन्यवाद।